नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेके आया हूं मैं राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान जीके से संबंधित पर्सन लेके आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में वो पर्सन लेके आता हूं जो आपकी आने वाली राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों किसी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं जिससे कि हम उस समस्या का समाधान कर सके। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टडी ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, ग्रुप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आप अपने दोस्तों को भी इस चीज़ का बेनिफिट दे सकें। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला है? तो उदयपुर है। तो राजस्थान में उदयपुर में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा 10.41%। कितना होगा? 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76% लगभग 1/10वां भाग किस शहर को, सॉरी दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेक दूसरा पर्सन आ गया, यहाँ पे पर्सन है, किस शहर को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है राजस्थान का गौरव? चित्तौड़गढ़ को। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1958 में स्थापित राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इसका आंसर? उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकिया से मिलता जुलता वह कौन सा वाद्य है जिसे रण क्षेत्र में बजाया जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं बघूल या बेरी। तो बघूल या बेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद जिले के किस गांव में आहाड़ या आयड़ सभ्यता के समकालीन दो टीले प्राप्त हुए? तो किस गांव में आहड़ या आयड़ सभ्यता के समकालीन दो टीले प्राप्त हुए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गिलोंड। तो गिलुंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत ने जाम्बोजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? किस संत ने जाम्बोजी संप्रदाय की स्थापना की? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विश्नोई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा मेड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी के रत जगे के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत या मंत्र क्या कहलाते हैं? यानी देवी के रातिजगे के समय गाए जाने वाले मंत्र या गीत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा चिरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पर्चा देना। तो पर्चा देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वाधीनता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलूर कहा जाता है? राजस्थान का वेलूर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भैंस रोड गढ़ दुर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधान सभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सुमित्रा महाजन या सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है? ए ऑप्शन है माउंट आबू। क्या होगा इसका आंसर? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, वो तो था आर्द्र शहर और ये क्या है? आर्द्र जिला। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कार्यरत उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन हैं? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा देवीलाल सामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा चाकसु जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। और जयपुर को किसने बसाया था? जय सिंह ने। किसने बसाया था? जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता हड़बूजी किस शासक के समकालीन थे? आंसर होगा इसका राव जोधा। और राव जोधा ने जोधपुर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? तो क्या है इसकी घोड़ी का नाम? लीलण। क्या है? लीलणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ किस जाति के बोफो द्वारा बाँची जाती है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इसका आंसर होगा गुज्जर जाति के द्वारा। किसके द्वारा बाँची जाती थी? गुज्जर जाति के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके से रिलेटेड पर्सन। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाले राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में राजस्थान जीके से रिलेटेड इन्हीं वीडियो में से पर्सन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, किसी भी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इन पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।